साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहां बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के समय एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी, तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के समय एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-11-7800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर या फिर विजिट करें mygov.in पर।